हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप घर बैठे आपके HDFC अकाउंट का KYC करें, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप HDFC नेट बैंकिंग की वेबसाइट ओपन कीजिए, उसके बाद आपका कस्टमर आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको सामने शो करेगा अपडेट योर KYC विद बैंक। तो वहाँ पे आप देख सकते हो व्यू ऑल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपडेट योर KYC विद बैंक, यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सामने आपको आपका कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम शो करेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस शो करेगा। सब डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेंगी, सिर्फ आपका स्टेट और पिन कोड ब्लैंक रहेगा, वो फिल कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहला है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्लस पर क्लिक कीजिए और जो डॉक्यूमेंट की PDF है वो यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ, तो सेम वैसे ही उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्लस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद PDF सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद है re-KYC फॉर्म। तो re-KYC फॉर्म आपको फिल करके उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। तो re-KYC फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहले आप गूगल ओपन कीजिए। उसके बाद उसमें सर्च कीजिए re-KYC HDFC फॉर्म। उसके बाद जो पहली लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद re-KYC का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा re-KYC का फॉर्म। इसको आप फिल करके उसको PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पे आप अपलोड कीजिए। तो re-KYC का फॉर्म अपलोड करने के बाद नीचे आप कैप्चा फिल कीजिए। उसके बाद बॉक्स पर टिक कीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा re-KYC का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक कीजिए और कुछ क्वेरी तो कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।